वेलकम बैक टू success.com। कैसे हैं आप सब? सब कुछ ठीक चल रहा है? आई होप सब कुछ बढ़िया होगा आपकी लाइफ में। आप बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, थोड़े से रिलैक्स्ड होंगे, है ना। चलिए, कल की क्लास का थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, अब बात करते हैं चैप्टर को कंटिन्यू करने की, है ना। तो चैप्टर को कंटिन्यू करना है, कहां तक पढ़ लिया था? प्रेशर हो गया, प्रेशर इन्फ्लुएंस हो गया, उसके कंसिक्वेंसेस, कुछ जो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन थे सब पढ़ लिया। फिर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ा, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ा, यूनिट्स पढ़ी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हमको यूज कहाँ कहाँ होता है, डेली लाइफ में कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, वो सब हमने देख लिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज बैरोमीटर। बैरोमीटर मीन्स द मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, means if you have to measure the atmospheric pressure at your place, so which device will you use? The first question is asked in exams, that which device is used to measure the atmospheric pressure at any place. So that device is known as barometer, that you have to keep in mind. Okay, so what is barometer that you can write? The spelling is barometer. Okay, barometer. Barometer is a device that is used to measure the atmospheric pressure at any place. Okay, now the main thing that we have to study in our chapter is that how many types of barometers are there, or what are the main uses of barometers other than measuring the atmospheric pressure. Means what are the indirect uses that we have to study, that we have to cover in this chapter. Okay, so type one of barometer, that is simple barometer. Simple barometer. Okay. The type 2 is 14 barometer. F-O-R-T-I-N. Okay. And type 3 is aneroid barometer. The oldest one and the very simple one is simple barometer. Means, जो बिल्कुल basic होगा ना, वो ये है। उससे ज़्यादा advanced 14 है, और सबसे ज़्यादा advanced इस time पे aneroid barometer है। ठीक है? तो barometer आप actual में करेगा क्या? वो हम चीजों को पढ़ चुके हैं कि atmospheric pressure को measure करेगा। ठीक है? अब देखेंगे कि हर barometer में ऐसी क्या-क्या चीजें हैं, यानी किस तरह से वो barometer जो है काम करता है कि आपके आसपास के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर देता है डायरेक्टली। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आईसीसी वाले हो चाहे वो सीबीएसई हो, बिकॉज ये जनरल कंसेप्ट है। ठीक है, ये सबको आना ही चाहिए, और आईसीसी वालों के लिए तो खासकर, बिकॉज आपको तो एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन सिंपल बैरोमीटर। ठीक है, सिंपल बैरोमीटर, सिंपल बैरोमीटर से आपको क्या क्या क्वेश्चन आएंगे वो आपको बता दो। देखो, सिंपल बैरोमीटर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक ग्लास की ना ट्यूब लेंगे। ठीक है, ग्लास ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड, क्लोज्ड फ्रॉम वन एंड, मींस जैसे सपोज आपने ये ट्यूब ले ली। ठीक है, इस ट्यूब का एक एंड क्लोज होगा, जैसे टेस्ट ट्यूब होता है ना, एक एंड ओपन एंड एक एंड क्लोज, इस तरह की। देन ग्लास ट्यूब की लेंथ आपको कितनी लेनी है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। द ग्लास ट्यूब जो इसके अंदर आप यूज करेंगे, ठीक है, वो अप्रोक्स आपकी 1 मीटर लेंथ की होनी चाहिए। ठीक है, 1 मीटर लेंथ, इतनी बड़ी ट्यूब आपकी होनी चाहिए ग्लास की। सो ग्लास ट्यूब लिया, डन। नाउ फिल दैट ग्लास ट्यूब विद मर्करी। मर्करी आपको पता है लिक्विड मेटल होता है, शाइनी लिक्विड मेटल, सॉरी। ओके, सो पूरी ग्लास ट्यूब को किससे फिल करना है आपने, मर्करी से फिल करना है, डन। अब आपको मर्करी, जिसे आपका ये क्लोज्ड एंड है, लेट से ये क्लोज्ड एंड है, ये आपका ओपन एंड है। ठीक है, आपने पूरा मर्करी से फिल कर दिया बिल्कुल टॉप तक, बिल्कुल टॉप तक। ठीक है, आपको कोशिश करना है बिल्कुल एयर ना हो उसके अंदर। ठीक है, देन यू हैव टू क्लोज इट विद योर थंब, थंब से बिल्कुल बढ़िया से बंद कर दिया ताकि कुछ बाहर अंदर ना जा पाए। ठीक है, देन क्या करना है, इसको ऐसे ऐसे करना है, इस तरह से। ठीक है, अपसाइड डाउन, देन अपसाइड डाउन, देन अपसाइड डाउन। क्या होगा इससे, गलती से अगर कोई एयर बबल चला गया होगा तो वो एक साइड हो जाएगा, मींस का नीचे ट्रैप्ड नहीं रहेगा कोई। अगर एयर बबल ट्रैप रह गया होगा ना अंदर मर्करी के बीच में, वो हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करके 3-4 बार किया, फिर अपना रख दिया। अब इसको करना क्या है,
कब ये जो ट्यूब है इसका करना क्या है। आप क्या करेंगे, आप लेंगे ये फ्लास्क, ये ट्रफ लेंगे, इसको बोलते हैं ट्रफ, ट्रफ इज लाइक अ टर्मिस्ट, ठीक है। इस तरह से एक ट्रफ लेंगे, उस ट्रफ के अंदर पहले से ही मर्करी भरा हुआ है, ठीक है, ये ट्रफ है और इसके अंदर पहले से ही मर्करी हमने भरा हुआ है, ठीक है, ये आप लेंगे। अब आपके पास क्या है, आपके पास ये ट्यूब है जिसके अंदर मर्करी आपने भर दिया, ओके। ट्यूब को आप इस तरह से क्लोज करेंगे, देन आपको अपना हैंड ऐसे इंसर्ट करना है इसके अंदर, मींस यू हैव टू इंसर्ट योर दिस थंब, ठीक है, इन द मर्करी एंड लीव इट, समझ गए, इंसर्ट करके अंदर करना है और छोड़ देना है, और आपका ट्यूब और फिर टेस्ट ट्यूब को यहीं पे पड़ा देना इस तरह से। जो आपका वो ग्लास ट्यूब है उसको इस तरह से यहां पे आपने खड़ा कर देना है, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। तो होगा क्या आपका, आपकी आपको पता है ना कि आपका जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर भी क्या है, मर्करी भरा हुआ था। अब एक्चुअल में क्या होगा, बट यू विल सी, जैसे आपने टेस्ट ट्यूब को इसमें उल्टा खड़ा किया ना, जो इसके अंदर मर्करी आपने पहले भरा हुआ था वो थोड़ा सा मर्करी गिरेगा, मीन्स थोड़ा सा मर्करी लेवल क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, यानी यहां तक जो है मर्करी आपका भरा रहेगा, बाकी सारा इसमें आ जाएगा, ट्रफ में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मर्करी आपका। ये ब्लैक शेडेड पोर्शन क्या है आपका, मर्करी, ठीक है, इस तरह से आ रहा है। अब देखो ये आया, अब ये ना गिर रहा है, ना ये अब गिर रहा है, ना ये उठ रहा है, एक टाइम पे आके बैलेंस हो रहा है, ठीक। तो ये बैलेंस एक्चुअल में क्यों हुआ, इस चीज को समझो। देखो अगर अंदर का प्रेशर, मीन जो ये अंदर है ना, अंदर ये ट्यूब के अंदर वाली जो भी चीजें हैं, इसके अंदर का प्रेशर जब ज्यादा था तो क्या हुआ, वो गिर गया, बाहर आ गया, टेस्ट ट्यूब से बाहर निकल गया, ठीक है। अब ये रुक क्यों गया, तो दिमाग में क्वेश्चन आता है ना कि जितना ये वाली मर्करी अंदर से प्रेशर लगा जो कि जितना इसका वेट आ रहा होगा, जितना इसका प्रेशर आ रहा होगा, इतना ही बाहर से भी उतना ही प्रेशर आ रहा होगा, तब क्या कर दिया इसको, मर्करी और मर्करी को निकलने से रोक दिया, ठीक है। जितना अंदर का प्रेशर था उतना ही बाहर का प्रेशर था, तो अंदर का प्रेशर तो किस वजह से है, इस मर्करी की वजह से है, और बाहर का प्रेशर क्या है, ये वाला मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझे, बाहर वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डन। सो क्या कह सकता हूं इससे, मैं ये कह सकता हूं ना कि अगर मैंने इस तरह का कोई सेटअप बनाया जिसमें थोड़ी सी मर्करी निकली, फिर मर्करी इतनी शांत हो गई है, बिल्कुल बैठ गई है, अब इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, दैट मींस अब जो मर्करी के अंदर की जो ये वाला लेवल है, ये लेवल किसको इक्वेट कर रहा है, ये डायरेक्टली मुझे क्या बता रहा है कि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्यों बता रहा है, क्योंकि जितना इसका प्रेशर है अंदर वाली मर्करी का उतना ही बाहर का प्रेशर है, तभी तो ये मर्करी ना बाहर जा रही है ना कोई मर्करी अंदर आ रही है, ठीक है। तो कैसा हो गया प्रेशर, वो इक्वल प्रेशर आ गया। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, तो आपको याद होगा यूनिट बताई थी एमएम ऑफ मर्करी, यहीं से निकला, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, हम बस हाइट देखेंगे, इस हाइट तक जो है मर्करी की हाइट, ये एच हाइट, ठीक है, डायरेक्ट हम इससे बता देते हैं। ये बैरोमीटर क्या है आपका, सिंपल बैरोमीटर, ठीक है। अब मान लो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है, यानी बाहर वाला प्रेशर हो गया इंक्रीज, तो क्या होगा, जब बाहर वाला प्रेशर इंक्रीज होगा, और हमें पता है कि मर्करी को अगर स्टेबल रहना है तो कैसा होना पड़ेगा, अंदर का प्रेशर और बाहर वाला प्रेशर बराबर होना चाहिए उसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। बाहर वाला प्रेशर इंक्रीज है तो मर्करी क्या चाहेगी, मैं अपना प्रेशर भी इंक्रीज करूं, तो क्या होगा, यहां से थोड़ी सी मर्करी, ऑब्वियसली देखो यहां से दबेगा, थोड़ी सी मर्करी कहां चली जाएगी, ट्यूब के अंदर, इसका मर्करी का लेवल क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, जैसे बाहर का प्रेशर इंक्रीज हुआ इसका प्रेशर राइज हो जाएगा। तो आप देखो हाइट कैलकुलेट कर पाओगे ना, अब पहले हाइट इतनी थी, अब हाइट इतनी हो गई, यानी इतना क्या आ गया, मर्करी लेवल में राइज आ गया। तो मर्करी लेवल में राइज क्यों आया, क्योंकि बाहर का प्रेशर बढ़ा, सिंपल, ठीक है। तो बाहर का प्रेशर बढ़ा मीन जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा इसकी रीडिंग बढ़ गई, तो आप बता सकते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना बढ़ गया, डायरेक्टली बता सकते हैं, ठीक है, देखो कितना सिंपल था, ठीक है ना। अब प्रेशर कम होता है, मान लो प्रेशर कम हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो क्या होगा, बाहर प्रेशर कम है अंदर वाला प्रेशर ज्यादा है, तो अंदर से मर्करी बाहर फ्लो कर जाएगी, बाहर का लेवल बढ़ जाएगा और अंदर का लेवल कम हो जाएगा, सिंपल। तो लेवल नीचे गिर रहा है मतलब बाहर का प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है,
अंदर का लेवल बढ़ रहा है मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी साथ साथ बढ़ रहा है. तो डायरेक्ट इंडिकेशन हमें जो है आपका सिंपल बैरोमीटर प्रोवाइड करवा देता है. क्लियर हो गई? ठीक है, ये तो होती है इसकी फंक्शन. अब इसमें छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है. पहली चीज तो आप याद रखोगे कि इसकी जो ट्यूब है ये 1 मीटर की लगभग हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, जो हम इसमें ये फ्लूइड यूज करते हैं इसको बोलते हैं बैरोमेट्रिक फ्लूइड. बैरोमेट्रिक फ्लूइड जो लिक्विड हम इसको यूज करेंगे. और कौन सा यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे? मर्क्यूरी यूज कर रहे हैं. ठीक है, क्यों यूज करते हैं अभी बताएंगे. तो मर्क्यूरी यूज इसके अंदर हम कर रहे हैं. ठीक है, टोटल ऊपर तक की ट्यूब की लेंथ लगभग 1 मीटर है. डन. अब देखो, आपको बोला था ना स्टार्टिंग में मैंने कि जो आपका ये ट्यूब है इसको आप ऐसे कैसे करेंगे, फिर छोड़ना है, हमें एयर नहीं चाहिए. सोचा किसी ने कि एयर क्यों नहीं चाहिए, एयर क्यों नहीं चाहिए हमें? यार एक बात बताओ, अगर इस स्पेस के अंदर एयर रह गई तो क्या होगा? जो अंदर वाली एयर होगी वो इसको दबाएगी ना, मरकरी को थोड़ा थोड़ा सा भी दबाएगी तो यानी इसका लेवल कम करके रखेगी, आपको एग्जैक्ट रीडिंग नहीं देगी. समझे? एग्जैक्ट रीडिंग नहीं देगी, थोड़ा सा मरकरी को दबा के रखेगी. इसीलिए हम क्या कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कुछ ना रहे, एयर ना रहे. तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा? यहाँ पे क्रिएट होगा एक वैक्यूम. ठीक है, यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा? वैक्यूम. और इस वैक्यूम को हम नाम देते हैं टॉरिसिली वैक्यूम. ठीक है, इस वैक्यूम का नाम है टॉरिसिली वैक्यूम. क्यों बोलते हैं टॉरिसिली वैक्यूम? बिकॉज दिस होल बैरोमीटर वॉज डिजाइन बाय टॉरिसिली. ठीक है, तो इन्होंने अपना नाम दे दिया वहां पर टॉरिसिली वैक्यूम बोल दिया है. ठीक है, आया समझ में सबको? दिस इज द टॉरिसिली वैक्यूम, दिस इज योर बैरोमीटर, दिस इज दैट ग्लास ट्यूब, दिस इज दैट ट्रफ. इसको बोलते हैं TROUGH, ट्रफ. एंड दिस इज द ग्लास ट्यूब ऑफ लेंथ 1 मीटर. सिंपल है, इस तरह से काम हो जाएगा पूरा. आपको जो है बैरोमीटर मैंने एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, अब बात आएगी इसके अंदर नंबर वन थिंग कि व्हाई डू वी यूज मर्करी. मर्करी को ही क्यों यूज किया? पानी क्यों नहीं यूज करा? मिल्क क्यों नहीं यूज करा? ऑयल क्यों नहीं यूज किया? कुछ और क्यों यूज नहीं करा हमने? ठीक है, मर्करी ही क्यों यूज किया? मर्करी महंगा है, अगर हम पानी भी तो यूज कर सकते थे. पानी कितना सस्ता मिल जाता है ना, पानी भी तो यूज कर सकते थे, क्यों नहीं किया? तो दो चार रीजन है उसको आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सबसे पहला रीजन देखो, हमको क्या चाहिए? आपको पता है ग्लास ट्यूब बहुत पतली होगी, मींस अगर आप थम से बंद कर रहे हो तो सोच सकते हो कि आपका थम कितना है, जरा सी बहुत पतली ट्यूब है. अब उस पतली सी ट्यूब में कुछ सोचो, ग्लास की ट्यूब है, पानी भरा हुआ है, पतली सी ट्यूब में क्या एग्जैक्ट लेवल है वो पढ़ पाओगे क्या? पढ़ पाओगे क्या? नहीं पढ़ पाओगे. ठीक है ना, इतना अच्छे से आप रीडिंग नहीं ले सकते अगर आपने उसमें वाटर रखा है. लेकिन अगर आपने उसके अंदर मर्करी रखा है तो मर्करी किसका रखा? डार्क लिक्विड होता है ना, डार्क कलर का होता है. ठीक है, तो डार्क कलर का लिक्विड और वाटर हो गया कलरलेस, तो दोनों में फर्क तो होगा रीड करने में. दैट्स व्हाई वी यूज मर्करी. एक रीजन तो ये आ गया. डन. सेकेंड रीजन क्या आएगा कि जो आपका मर्करी होता है ना, ये ग्लास के ऊपर चिपकता नहीं. ठीक है, इट डजंट स्टिक टू द ग्लास. मीन्स देखो, अगर आपके पास ना कोई भी ग्लास के सरफेस, ठीक है, उसके ऊपर आप वाटर डालेंगे, आप घर में करके देख लेना, कहीं भी कांच होगा उसमें पानी डाल के देखना, टेढ़ा करोगे ना तो आपको दिखेगा थोड़े से वाटर ने अपना निशान छोड़ दिया, तो एक दो ड्रॉप चिपकी हुई है, बाकी सब निकल गई है. ठीक है, यानी वाटर चिपक जाता है ग्लास के ऊपर. लेकिन ऐसे मर्करी नहीं चिपकता, बिल्कुल नहीं चिपकता मर्करी. तो इट डजंट एडहेयर टू द ग्लास, डजंट स्टिक टू द ग्लास. अब जब ये चिपक नहीं रहा है इधर उधर, तो आपको क्या देगा? एग्जैक्ट रीडिंग देगा. ऐसा नहीं कि कहीं मर्करी ऊपर चिपक गया और आपको गलत रीडिंग दे रहा है, एक्स्ट्रा रीडिंग दे रहा है या कम रीडिंग दे रहा है. नहीं, एग्जैक्ट रीडिंग देगा. ठीक है, इट डजंट स्टिक टू द ग्लास बट वाटर स्टिक्स. इसलिए वाटर को यूज नहीं करते हैं. दूसरा रीजन, थर्ड रीजन, एक तो क्लियर हो गया, क्लियर शाइनी लिक्विड है, अच्छा है, दिखता है बढ़िया से, वो बता दिया, चिपकता नहीं है, एक तो वो बता दिया. अब आ जाओ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे. ठीक है, देखो एक चीज क्या होती है, एक नाम है डेंसिटी, एक टर्म होती है जिसका नाम होता है डेंसिटी. डेंसिटी एक्चुअल में क्या होता है कि कितना मास एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में भरा हुआ है. डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि ये दो डिब्बे है मेरे पास, ठीक है, ये दो बॉक्सेस है मेरे पास, ठीक है, इसके अंदर मैंने 6 बॉल्स रखी हैं और इसके अंदर मैंने इस तरह से 12 बॉल्स रखी हैं.
तो मैं क्या कहूंगा, ये ज्यादा डेंसली भरा हुआ है, क्यों, उसी वॉल्यूम के अंदर ज्यादा भर दिया, ज्यादा पार्टिकल्स भर दिए, ठीक है, ज्यादा बॉल्स भर दिए, और मैं क्या कहूंगा उसी वॉल्यूम, उतनी ही वॉल्यूम के अंदर यहाँ पे कम भरा है, तो दिस इज लेस डेंस, दिस इज मोर डेंस, ठीक है। अब बात आती है कि यहां अंदर हमें करना क्या था, हमें क्या करवाना था, अंदर की जो ये लिक्विड है इसका प्रेशर किसके इक्वल कराना था, बाहर वाले प्रेशर के इक्वल, ठीक है, अंदर वाला प्रेशर बाहर वाला प्रेशर इक्वल करना था, बल्कि सेटलमेंट होगा इस रॉड का। अब देखो हमने मर्करी यूज किया, ठीक है, मर्करी की डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ मर्करी इट इज 13.6 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, देखो इट इज 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो फर्क देखो किसमें, किसकी डेंसिटी ज्यादा है, मर्करी की डेंसिटी ज्यादा है, यानी इसी वॉल्यूम में ज्यादा पार्टिकल्स भर जाएंगे मर्करी के, और अगर मैं इतनी एक मीटर की रॉड पानी की लेता हूं तो उसमें पानी के ज्यादा पार्टिकल्स नहीं आएंगे, लेकिन मर्करी के ज्यादा पार्टिकल्स आ जाएंगे, क्योंकि मर्करी देखो कितना टाइम ज्यादा हेवियर है, 13.6 टाइम्स ज्यादा डेंसर है एज कंपेयर टू वॉटर, ठीक है। तो मेरा क्या टारगेट रहेगा भाई, मैं तो ये चाहूंगा ना कि मेरी रॉड छोटी से छोटी बने, मेरा बैरोमीटर छोटे से छोटा बने, ताकि मैं उसको इधर उधर लेके जा सकूं, यही तो टारगेट होगा। अब आप खुद देख लो, जब हमने मर्करी का बनाया तो हमने 1 मीटर की रॉड रखी है, यार 1 मीटर अच्छा खासा होता है, 1 मीटर को भी आप इधर उधर ले जा नहीं सकते, 1 मीटर इतनी बड़ी रॉड हो गई, इसको आप उठा के ले जा रहे हो, गिर सकता है, अच्छे खासे चांसेस है गिरने के, ठीक है ना। और अगर आप वाटर का यूज करते हो तो खुद सोचो, जब आप 1 मीटर की इतनी बड़ी रॉड मर्करी की यूज कर रहे हो, मर्करी की डेंसिटी इतनी ज्यादा है, ठीक है, तो अगर आप वाटर यूज करते तो पता है कितनी बड़ी रॉड लग जाती आपको, 10 point something, मोटा मोटा मान के चलो कि 10 मीटर की रॉड, 10 मीटर की आपको ग्लास रॉड लगती, यार 10 मीटर कितना होता है, जस्ट यू कैन इमेजिन, 10 मीटर इज अराउंड 3 मंजिला बिल्डिंग, मींस 3 फ्लोर वाली बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर, इतना लंबा ट्यूब ग्लास का लेके आते क्या, नहीं ना, समझे। इसीलिए हमने किसको यूज किया, मर्करी को यूज किया, क्योंकि मर्करी का जो भी है ना, कोई भी लिक्विड ऐसा नहीं है जो मर्करी से ज्यादा डेंस हो, सबसे ज्यादा डेंस लिक्विड ही मर्करी है अपने पास, ठीक है, इसलिए किसका यूज किया है वहां पे, मर्करी का, क्योंकि इस छोटी सी वॉल्यूम में आराम से इतना प्रेशर मर्करी का इतना वाला वॉल्यूम बैलेंस कर सकता है, ठीक है। बट वॉटर के लिए कितना चाहिए, 10 मीटर चाहिए, क्योंकि पॉसिबल नहीं, आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपको पढ़ा दिया। अब देखो, अब एक टर्म आती है जिसका नाम है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, देखो कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, जैसे आपने किसी भी कंटेनर के अंदर मान लो थोड़ा सा कोई भी लिक्विड रख दिया, कोई भी लिक्विड, ठीक है, अब बाहर हल्की सी गर्मी है तो उसका थोड़े बहुत पार्टिकल्स के फट जाते हैं, वेपर बन जाते हैं, इवेपोरेशन हल्का फुल्का। अब यहां आ गई वेपर, अब देखो वेपर है तो क्या वेपर नीचे प्रेशर नहीं लगाएगी, गैस तो हर जगह प्रेशर लगाती है, इसी प्रेशर में क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, कि कोई लिक्विड था किसी बर्तन के अंदर, उसके कुछ पार्टिकल्स इवेपोरेट हो गए उस बर्तन के अंदर ही है, अब वो पार्टिकल्स दोबारा से प्रेशर किसके ऊपर लगा रहे हैं, उसी लिक्विड के ऊपर लगा रहे हैं, उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो वेपर प्रेशर है क्या करेगा, ये ऊपर से दबाएगा, है ना। अगर मानो जो भी इसके अंदर आपने लिक्विड यूज किया है इस रॉड के अंदर, इसका वेपर प्रेशर बहुत हाई हो, मतलब बहुत ज्यादा जो है इसके पार्टिकल्स वेपराइज होके इसको दबा रहे हैं, अंदर ऊपर से दबा रहे हैं, तो गलत रीडिंग आएगी ना, क्योंकि रीडिंग तो यही आनी है, रीडिंग बाहर कुछ और थी, वहां दिखता कुछ और, आपको गलत रीडिंग आती, ठीक है। बट वॉटर जो है ना, उसका वेपर प्रेशर बहुत हाई होता है, इसलिए वॉटर को यूज नहीं किया। मर्करी को क्यों यूज किया, बिकॉज मर्करी का जो वेपर प्रेशर है दैट इज वेरी लो एज कंपेयर टू वॉटर, बहुत कम है, यानी इसमें खासा फर्क कोई पड़ने ही नहीं वाला है, ठीक है। तो मर्करी के वेपर का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मर्करी क्लियर दिख रहा है, मर्करी की डेंसिटी ज्यादा है, छोटी रॉड से काम हो रहा है, सो वी यूज मर्करी। अभी बात समझ में, ठीक है, कितना आसान सा टॉपिक था, कोई पूछे अगर कि मर्करी जो है वो आप क्यों यूज करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, सेकंड थिंग और है कि यार मर्करी को जो प्योर स्टेट में निकालना बड़ा आसान होता है, मींस यू कैन फाइंड मर्करी इन द प्योर स्टेट, इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं आप उसको, ठीक है। चल, तो अपने पास ये सब आ गए कंट्रडिक्शन की, वाटर को क्यों यूज नहीं करते हैं और मर्करी को क्यों यूज करते हैं। अभी आप बस समझते चलिए, जब आप नोट्स बनाएंगे
ठीक है, तो नोट्स आप वीडियो को रिवाइंड करके कर सकते हैं, क्योंकि समझना इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके ठीक है, चल तो आपको समझ में आ गया सिंपल बैरोमीटर किस तरह काम करता है, कैसे कैसे होता है, टॉरिसरी बनाया था, ऊपर टॉरिसरी वैक्यूम बनता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक सी चीजें हैं अबाउट सिंपल बैरोमीटर। अब बात करते हैं कि भैया क्या ये सिंपल बैरोमीटर यूज होता है, नहीं क्या ये सिंपल बैरोमीटर का एक्चुअल यूज है? नहीं, यूज कर सकते हो बट एक प्रैक्टिकल यूज नहीं। क्यों? इतनी बड़ी रॉड है यार, इतनी बड़ी, ठीक है, मर्करी भरा हुआ है नीचे ऊपर, यहां से ओपन है। अगर मान लो बाहर धूल है, डस्ट है, कोई कीड़े घूम रहे हैं, मच्छर घूम रहे हैं, मक्खी घूम रही है, कुछ भी है, वो मर्करी के अंदर गिर गया तो मर्करी को तो इम्प्योर कर देगा ना, यानी मर्करी को खराब कर सकता है। प्रोटेक्टेड नहीं है पहली बात तो ये डस्ट वगैरह से, सेकंड थिंग पोर्टेबल नहीं है। पोर्टेबल मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जाना बहुत मुश्किल है यार। कुछ सोचो ना कि इतनी बड़ी रॉड उसको उठा के लेके जा रहे हो, हल्का सा भी टक लगा और वो गिर टूट जाएगी, तो पोर्टेबल नहीं है ये। इसको एक जगह रखो तब तो वो ठीक है, एक जगह रख सकते हो ओके, वेरी गुड, कवर भी नहीं कर सकते, और कवर भी नहीं कर सकते, ठीक है, तो इतना फर्क जो है रहता है। एक और बड़ा पंगा है इसके साथ कि इसमें से रीडिंग को आप डायरेक्टली मेजर कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसके साथ जो आपका सिंपल बैरोमीटर है, इसके साथ कोई स्केल अटैच ही नहीं है, समझे, कोई स्केल अटैच नहीं होता इसके साथ, आपको बाहर से रीडिंग देखनी पड़ेगी, अच्छा इतनी है इतनी है, कोई ऐसा परमानेंट स्केल इसके साथ अटैच नहीं था जो किरण ने बनाया था। कवर नहीं कर सकते, कवर करोगे तो बाहर का एटमोसफेयर कहां प्रेशर कहां से मिलेगा, ठीक है, कवर मतलब मैं वैसा कवर कह रहा हूं आपको, इस मर्करी को कवर इस केस में, ठीक है ना, मर्करी को कवर नहीं करते, ठीक है, इस मर्करी को कवर नहीं करते, बल्कि वैसा है कि इसको थोड़ा बहुत स्टोर कर सकते हो, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट इसको वैसे जल्दी कवर नहीं करते, कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकते आप, है ना। तो कहां थे हम? हां, इसके ऊपर आप डायरेक्ट स्केल जो है मार्क नहीं कर सकते, मार्क नहीं है स्केल इसके ऊपर, तो डायरेक्ट रीडिंग लेना भी थोड़ा सा इजी नहीं होता। तो फिर क्या किया, जितनी भी कमियां थी इसकी कि हाँ ठीक है ये कवर्ड नहीं था, ये कवर नहीं कर सकते, कवर्ड नहीं था जिन्होंने ओरिजिनल में बनाया था ना, इस तरह बनाया था, ठीक है, फिर ये सब चीजें थी इसको इम्प्रूव करी गई, तभी तो अलग अलग बैरोमीटर बने, ठीक है, तो ये जो चीज थी इसको इम्प्रूवमेंट किया गया। इम्प्रूव किस किस में? पहली बात तो साइंटिस्ट को दिखा कि ठीक है ऐसा बैरोमीटर जो है अच्छा नहीं है, बिकॉज इसमें प्रोटेक्शन नहीं है, चलो प्रोटेक्शन लाएंगे, 14 ने कहा प्रोटेक्शन लेकर आएंगे, ठीक है, फिर कहा कि इसमें यार मर्करी ओपन रहती है, ठीक है हम क्लोज कर देंगे, 14 ने कहा ठीक है मैं क्लोज कर दूंगा और बताओ, फिर हमने कहा यार इसको ना उधर उधर लेके नहीं जा सकते, पोर्टेबल नहीं है, 14 ने कहा ठीक है मैं ये भी कर दूंगा और बताओ, पोर्टेबल भी कर देंगे, फिर हमने कहा यार इसमें ना रीडिंग भी ढंग से नहीं आ रही, 14 ने कहा चलो और बताओ ये भी कर दिया, 14 ने कहा मैं करेक्ट मैं सब कर सकता, तो 14 वाला बैरोमीटर पढ़ते हैं कि अब इसी का इसी बैरोमीटर का एक एडवांस्ड वर्जन किसने बनाया, 14 ने बनाया, दैट बैरोमीटर इज कॉल्ड 14 बैरोमीटर, ठीक है, कंसेप्ट ऐसे ही चलेगा लगभग, बस थोड़ा सा उसमें चेंजेस आ रहे हैं। अब 14 बैरोमीटर देखते हैं, 14 बैरोमीटर में क्या था, सबसे पहले तो लगा दिया एक केस, बहुत प्यारा सा सुंदर सा एक केस लगा, इसके अंदर प्रोटेक्टेड रहेगा आपका बैरोमीटर जो भी होगा ना, इसको थोड़ा सीधा बना देते हैं, कैमरे के आगे आने का मन नहीं करता है इस तरह से, कैमरे को पीठ दिखाने का, लेकिन क्या करें, ठीक है ये केस लगा दिया पहली बार, फिर इसके नीचे इस तरह से, ये हो गया, ये बन गया इसकी रॉड, रॉड के बाद बनेगा नीचे इसका पाउच,
हो गया रेडी, और उसके बाद इसमें है नीचे एक स्क्रीन, और चलो सी दिस इज अ 14 राउंड, ठीक है, ये मर्करी बन गई है, सेम वही रीजन से मर्करी को यूज करने के जैसे पहले वाले में थे, तो कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। ये आपका 14 बैरोमीटर है। 14 बैरोमीटर में क्या होता है, सबसे पहली चीज तो देखो बाहर एक पूरा केस है, लगभग वैसे ही सेटअप है, देखो लगभग वैसे ही, एक लंबी सी ट्यूब है, यहाँ पे ट्यूब की लेंथ चेंज हो जाती है, जो आपका 14 है ना, 14 में जो ट्यूब लेंथ है वो होती है अराउंड 85 सेंटीमीटर टू 90 सेंटीमीटर, ठीक है, इसके बीच में रखते हैं 85 टू 90 सेंटीमीटर, ये पूरी ट्यूब यहां से लेकर यहां तक। सिंपल में कैसा था, नीचे एक ट्रफ लगाया था ना, सिंपल में ट्रफ लगाया था, यहाँ पे क्या लगाया, यहाँ पे लगाया हमने ये लेदर पाउच, ठीक है, नीचे एक लेदर बैग या लेदर पाउच जो है वो हमने लगाया हुआ है, कह सकते हो लेदर का कप है, लेदर कप कह लो कुछ भी कह लो उसको, ये इस तरह का वो ट्रफ का काम कर रहा है, जैसे सिंपल बैरोमीटर में ट्रफ था, यहाँ पे ये काम कर रहा है सेम वैसे ही, ठीक है। नई चीजें क्या आ गई इसमें, नई चीजें ये आ गई कि सबसे पहले तो इसमें देखो बाहर प्रोटेक्शन लगा दिया, प्रोटेक्शन किसका लगाया, ब्रास का, ठीक है ना, ब्रास का पूरा एक क्या लगा दिया इसके ऊपर, केस लगा दिया हमने, ब्रास का केस लगा दिया है, ठीक है, और ये पूरा इसको प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक। फिर ना अब इसमें से रीडिंग को एग्जैक्ट एक्यूरेट पढ़ने के लिए इधर में एक छोटी सी विंडो होती है, ठीक है, ये वाला एक छोटा सा विंडो होता है, और जो ये स्केल, इस स्केल के ऊपर मार्किंग ऐसे बनाई गई, दिस इज द मार्किंग ऑन दिस स्केल, डायरेक्टली इसी ट्यूब के पास मार्किंग है ताकि आप उसको डायरेक्टली रीड कर सको, सिंपल में डायरेक्ट रीड नहीं कर सकते थे, है ना, यहाँ पे पहले इसके साथ ही स्केल दे दिया डायरेक्ट रीड करने के लिए। फिर ये होता है आपका कौन सा स्केल, मेन स्केल, और इसको फैसिलिटेट करने के लिए इसके ऊपर एक छोटा स्केल और दे देते हैं, दैट इज वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का कांसेप्ट आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ना, वर्नियर स्केल का कांसेप्ट क्या होता है कि डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक वो मेजर कर सकता है, तो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ ये मेजर कर लेगा। यहाँ पे देते हैं एक छोटा सा विंडो स्लिट, ठीक है, ऐसे स्लिट देते हैं ताकि आप उसमें से देख के आसानी से रीडिंग को कैलकुलेट कर सको, वर्नियर को लेकर उसको कैलकुलेट आप आसानी से रीडिंग को जो है कैलकुलेट इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन स्केल दे दिया, वर्नियर स्केल दे दिया एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट करने के लिए, बाहर प्रोटेक्शन के साथ आपने ग्लास केस दे दिया, ये अंदर ग्लास ट्यूब आ गई, नीचे लेदर कप आ गया, और ये होता है स्क्रू, ठीक है। अब देखो, अब एक्चुअल में इस 14 वाले का यूज कैसे करते हैं, तो देखो 14 बैरोमीटर जो है आपको इस तरह से मिलेगा, आपको करना क्या होगा, पहले इसको कैलिब्रेट करना होगा, ठीक है, जैसे आप लेकर आए आपने उसको अपने उसके हिसाब से सेटअप करना है। सपोज मैं अपने रूम में इसको सेटअप करता हूँ, तो कैसे सेटअप करूंगा, मैं ना इस ग्लास इस स्क्रू को ऐसे करूंगा, टर्न करूंगा, तो क्या होगा, लेदर कप को ऊपर नीचे करेगा, ठीक है, तो लेदर कप का मर्करी ऊपर करूंगा तो लेदर कप का मर्करी लेवल ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऐसे ही होगा ना। मुझे क्या करना है, मेरे को देखो ये पॉइंटर दिया है, दिख रहा है पॉइंटर, इसको बोलते हैं आइवरी पॉइंटर, आइवरी पॉइंटर, ठीक है। मैं क्या, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि जो इसका मर्करी का जो टॉप लेवल है ना, इसमें लेदर कप में ये बस पॉइंटर को जस्ट टच करे, बिकॉज वहीं पे इसका जीरो जाता है, ठीक है, बिल्कुल जस्ट यहाँ पर टच कर जाए, टच कर गया मेरा कैलिब्रेट हो गया, मीन्स अब ये यूज करने को रेडी है। नमस्ते यश, ठीक है, यूज करने को रेडी है, ये अपना 14 बैरोमीटर है, डन। अब क्या करना है, बस यूज करने के रेडी है आपने रखा, अब जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, रीडिंग ऊपर जाएगी, आप डायरेक्टली रीडिंग पढ़ सकते हो, प्रेशर घटेगा रीडिंग नीचे आएगी, आप रीडिंग पढ़ सकते हो, ठीक है ना, क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इस सिंपल सा आपका इसको बोलते हैं 14 बैरोमीटर, जो जो इसकी कमियां थी वो किसने पूरी कर दी, 14 बैरोमीटर ने जो है कमियां इसकी पूरी की पूरी कर दी, ठीक है। इसमें डायरेक्टली आप बैरोमेट्रिक हाइट जो है यहाँ से मेजर कर सकते हो, कि सपोज मान लो कि आपने हाइट यहाँ से पढ़ी कि इतनी हाइट आ रही है, रीडिंग आपने इधर से स्लिट से पढ़ी, मान लो ये आ गई 761 mm, ठीक है, mm ऑफ मर्करी, हम इस तरह से तो बताते हैं कि हाइट कितनी है, 761 मिलीमीटर है, किसका, मर्करी का, तो ये इतना प्रेशर हो जाएगा आपके पास, आप डायरेक्टली बता दो कि हाँ इतना प्रेशर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मर्करी, इसमें भी ऐसी होता है, इसमें भी ऐसी होता है, पर जो उसकी कमियां थी वो 14 ने पूरी करी, ऐसा लगभग कुछ 14 का जो है बैरोमीटर होता है, ठीक है, कितना सिंपल सा तरीका है, ओके।
ऑल क्लियर, वेरी गुड बेटा, ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ज्यादा सीरियस हो गया क्या? नहीं, टेंथ क्लास में बच्चे बोल रहे थे कि सर आप ज्यादा सीरियस हो गए यूट्यूब के ऊपर, ऐसा भी है क्या? है कह रहे जब आप पेड़ में पढ़ाते हो तो आप बड़े मजाक में पढ़ाते हो, लेकिन यूट्यूब पे आप बड़े सीरियस लेवल रह के पढ़ाते हो, ऐसा भी कुछ है क्या? बताओ जरा। हैं यश, आदित्य? नो सर, मस्त है। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। चलो लास्ट बैरोमीटर पढ़ना है हमने अब, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी कमियां तो फोर्टीन बैरोमीटर में भी थी। क्या कमी थी फोर्टीन बैरोमीटर में? इसको बार बार आपको कैलिब्रेट करना पड़ता है। पहली बार कैलिब्रेट करना पड़ता है मतलब अपनी क्या कह रहा है? हाँ सर सीरियस रहता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है थोड़ा सा सीरियस, ठीक है। चल यहाँ से थोड़ा यहाँ पे मजाक करना स्टार्ट कर देते हैं ना यूट्यूब के ऊपर, फिर ऐसा होता है यार, मतलब मुझे खुद समझ में नहीं आता यूट्यूब पे थोड़ा सा मैं सीरियस हो जाता हूँ। और कुछ क्लासेस में मीन्स अगर तुम वो वाली क्लास देखोगे ना जो बिल्कुल लास्ट क्लास होती है डे की, 9 PM वाली क्लास होती है, मैथ्स की क्लास होती है क्लास 10 की, वो वाली क्लास को देखता हूँ बिल्कुल फ्री हो जाता हूँ। ओके ठीक है, लाइफ एकदम सॉर्टेड है, बिल्कुल एकदम मजे में पढ़ाता हूँ मैं नाच गा के। कई बार होता है कि मैं थोड़ा सोफिस्टिकेटेड सा बिहेव हो जाए, निकल जाता है सोफिस्टिकेशन अपने अंदर से कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट कर लो, ठीक है। पढ़ाई ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चलो गप्पे तो होती रहेंगी, हम बात करते हैं एनएरोइड पैरामीटर के बारे में। बहुत ईजी है यार एनएरोइड तो, बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। एनएरोइड पैरामीटर को क्यों इसको बनाया? देखो इसमें कमी थी और इसको बनाया, अब इसमें भी तो कुछ कमी रही होगी 14 वाली में। क्या कमी थी यार? 14 वाला का साइज कितना था सोचा तुमने? 90 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर के लगभग अप्रोक्सीमेटली, 1 मीटर से ज्यादा ही होता है, इतना इतना बड़ा पैरामीटर। अब इतना बड़ा पैरामीटर ठीक है, इसको आगे पीछे करने में ले जाने में ठीक है, क्योंकि इस पे केस है, प्रोटेक्शन है, टूटेगा नहीं, बहुत अच्छा है। स्टिल इफ वी कैन डेवलप अ पैरामीटर लाइक दिस, छोटा सा कर सकता हूं अगर मैं, तो मुझे इतने बड़े की जरूरत क्या थी? साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जहां मरकरी का यूज ही ना हो, जहां मरकरी का यूज ही ना हो तो छोटा सा बैरोमीटर बना लेते हैं, ठीक है। ऐसा बैरोमीटर जो एकदम परफेक्ट रहेगा, मजेदार रहेगा, तो बढ़िया जी, बहुत अच्छी बात है। ऐसा बैरोमीटर कौन सा बना दिया? एनेरॉइड बैरोमीटर बना दिया, इसमें मरकरी का यूज ही नहीं होता, डायरेक्ट देता है रीडिंग, बहुत क्रेजी चीज है, ठीक है। अब देखो आपको एनेरॉइड बैरोमीटर कैसे पढ़ना है, होगा क्या एनेरॉइड बैरोमीटर में? इस तरह का होता है, देखो क्या एनेरॉइड बैरोमीटर में ना, ऐसे आपने वो देखा है जो जैसे बच्चों की वो देखा है, कभी फुटवेयर होते हैं बच्चों की, वो आती है वो पिचकाने वाली पुई पुई करके वाले वाले जो टॉयज आते हैं, उसको पिचकाओ एयर बाहर निकलती है, पुई आवाज निकलती है, उससे साउंड निकालता है ऐसे क्रेजी सा, देखा होगा वो कंप्रेसिबल, जैसे बच्चों के पेपर फुटवेयर भी आते हैं, बच्चे पैर रखते हैं उसमें वो विसल बजती है, वो कंप्रेसिबल से होते हैं ऐसा, ठीक है ये वैसा ही है। इसमें क्या होता है, ये जो है ना ये डायफ्राम होता है, ये पिचक सकता है, ये पूरा पूरा से पिचक सकता है, सॉफ्ट है, ठीक है, हल्का फुल्का पिचक सकता है। इसके ऊपर क्या कर देते हैं, एक रॉड लगा देते हैं, ये पिचक सकता है, इसको बोलते हैं डायफ्राम, और डायफ्राम के ऊपर लगा दिए एक रॉड, ठीक है, यहाँ लगा दिए एक रॉड इस तरह से, और रॉड पे बनाएंगे टीथ, ठीक है, रॉड पे ना टीथ बना देते हैं ऐसे इस तरह से एक तरह, ठीक है, और इस टीथ के आगे लगा देंगे एक टूथेड व्हील, जिसको गियर बोलते हैं। इस तरह से आप लोगों ने कभी देखा भी होगा तो टॉयज वॉयज में इस तरह की रहते हैं, ठीक है, टॉयज में और ऑटोमोबाइल में मोटर्स में इस तरह का रहता है, इसको क्या बोलते हैं, गियर बोलते हैं, फिर टूथेड व्हील बोलते हैं, ठीक है। और इस व्हील के साथ एक निडल को अटैच कर देते हैं इस तरह से, इसके साथ ही निडल अटैच कर देंगे, ठीक है, और निडल अटैच करने के साथ यहाँ पे ऐसी रहेंगी रीडिंग्स इस तरह से, यहाँ पे रहेंगी रीडिंग्स, ठीक है। अब जस्ट एक चीज इमेजिन करना, ठीक है, ये आपका पूरा एनेरॉइड पैरामीटर,
ठीक है, ये पूरा कैसा है आपका एंड्रॉइड बैरोमीटर। अब एक्चुअल में ये अंदर से इतना सा होता है, इतना सा मुश्किल से इतना, ठीक है, बड़ा बनाया लेकिन इतना सा होता है। तो अब उस चीज को अभी दिखाऊंगा आपको। तो बैरोमीटर हो गया, यहाँ पे रीडिंग्स है, ठीक है, इधर रीडिंग्स है। अभी डायरेक्ट रीडिंग कैसी देता है, ये बहुत सॉफ्ट है। जैसे ही ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर, इसको पहले कैलिब्रेशन की कैसे रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसे आपके पास एक फिक्स्ड बैरोमीटर है, जैसे 14 हो गया, 14 आपके पास लैब में है, आपने उसके अकॉर्डिंग इसको पहले फिक्स करना है, पहले इसको फिक्स करना है कि ठीक है, जैसे मान लो कि आपका 14 बैरोमीटर जो आपको शो कर रहा है वो 760 mm शो कर रहा है, तो आपने इसको 760 पे सेट कर दिया, पहले इसको फर्स्ट टाइम सेट करना होता है, 760 पे सेट कर दिया, फिर आप इसको कहीं भी लेकर जाओ, डायरेक्ट रीडिंग देगा। कैसे, आप इसको कहीं लेकर गए, अब पहले मान लो इसकी रीडिंग थी यहाँ पे, मान लो 760 mm की रीडिंग थी, डायरेक्ट यहाँ mm में पड़ता है, ठीक है, इसको इस तरह से बनाया जाता है रीडिंग्स को कि जैसे 760 mm में, फिर हल्का सा दबेगा तो कहाँ जाएगा, ये अकॉर्डिंगली सेट हो रखा होता है उन बैरोमीटर्स के, लेकिन ये पोर्टे वाले बहुत छोटा सा, इसलिए अच्छा है। अब क्या होता है कि मान लो एटमोस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर ऊपर से बढ़ता है, तो क्या होगा कि हल्का सा कंप्रेस होगा ना, हल्का सा दबेगा, हल्का सा। अब जैसे ये दबेगा तो रॉड कहाँ आएगी, देखो रॉड आएगी नीचे, अब जब रॉड नीचे आएगी तो खुद सोचो ये व्हील किस तरफ घूमेगा, जैसे ये रॉड देखो नीचे आ रही है तो व्हील को ऐसे करके घुमाएगी ना, देखो इसके टूथ कैसे हैं, ये नीचे आएगा तो ये ऐसे करके घूमेगा, व्हील कैसे घूमेगा, ऐसे करके व्हील ऐसे घूमेगा तो सुई किधर जाएगी, इस तरफ जाएगी, यहाँ 760 है, हो सकता है 770 होता, 780 होता, कुछ होता, तो क्या दिखाएगी ये व्हील, जैसे ये नीचे गया व्हील कहाँ गई, आगे गई, तो व्हील के साथ ये जो सुई है, ये नीडल है, ये भी आगे गई, ठीक है। तो नीडल ने क्या शो किया कि पहले 760 था, अब कितना है, मान लो 761, ठीक है, तो जैसे ही ये बढ़ा वैसे ही ये घूम गया, ये और बढ़ेगा ये और घूमेगा, ये और बढ़ेगा ये और घूमेगा, वो और बढ़ेगा वो और घूमेगा, तो डायरेक्टली इसके बढ़ने पे आपको यहीं से रीडिंग मिल जाएगी नीडल से, कितना सिंपल है, ठीक है, आसान है ना, कितना डायरेक्टली मिल जाएगी। जैसे कम हो गया तो फिर क्या होगा, जैसे कम होगा तो ये ऊपर उठेगी, कम होगा तो ये ऊपर उठेगा, अभी ऊपर उठा तो क्या होगा, ये ऊपर उठेगा तो इसको ऐसे घुमाएगा इस तरह से, तो यानी नीडल कहाँ आएगी, अब इस तरफ आएगी, 760 से नीचे आने लगेगी, 759, 758, तो आपको क्या पता चलेगा कि हाँ प्रेशर कम हो रहा है, सिंपल एज दैट। इस बैरोमीटर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनेरोइड बैरोमीटर, ठीक है, डायरेक्ट रीडिंग देता है विदाउट द यूज ऑफ मर्करी, ओके, कितना सिंपल है, क्लियर है सबको, ये क्लियर हुआ मुझे बताओ एक बार यार फटाफट से, आप देखो। अब हम ये पढ़ते हैं कि एक्चुअल में जो ये बैरोमीटर हमने पढ़ा ना, इन बैरोमीटर, तीनों बैरोमीटर में कोई भी बैरोमीटर हो, इसका यूज एक्चुअल में हम कहां-कहां करते हैं, ठीक है। नंबर वन यूज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए, हम पढ़ते आ रहे हैं कि यस बैरोमीटर मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या तो करना ही करना है, ठीक है। नंबर टू यूज, हाइट फाइंड करने के लिए भी होता है, हाइट मींस एल्टीट्यूड, जैसे जैसे आप अर्थ के लेवल से ऊपर जाते हो ना, ग्राउंड लेवल से ऊपर जाते हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप हाइट कैलकुलेट कर सकते हो, तो उसको हाइट फाइंड करने के लिए भी एल्टीमीटर क्या कहते हैं, इसका यूज होता है, बैरोमीटर का यूज होता है, ठीक है। और तीसरा, वेदर को फोरकास्ट कर सकते हो आप इससे, आपने देखा होगा ना वेदर फोरकास्टिंग हो जाती है कि ठीक है बारिश आने वाली है, अब ये क्लाउडी है, अब ये ड्राई आने वाला है, अभी कल धूप होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, सब पता चल जाता है पहले से, किसकी हेल्प से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हेल्प से। तो बैरोमीटर की हेल्प से मेजर करो, फिर फोरकास्ट कर लो कि ठीक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब ऐसे होने वाला है, ऐसा हो रहा है तो मतलब ऐसे होने वाला है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हैं उन चीजों को, बताएंगे अभी, ठीक है, कैसे भी करते हैं, ठीक है। चलो देखो, एक आपको बताना है मुझे, वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद एल्टीट्यूड, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो एक्चुअल में क्या होता है, मैं एक अर्थ का छोटा सेक्शन बना लेता हूँ, ठीक है, ये अर्थ, दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब यहां तक क्या है, इसमें एटमॉस्फेयर है, ओके, यहां तक एयर है। अब एक्चुअल में क्या होगा, खुद सोचो, जब एक पर्सन को यहाँ खड़ा बिल्कुल अर्थ के सरफेस पे, तो उसके ऊपर कितनी एयर है, उसके ऊपर इतनी सारी एयर है ना, ठीक है। अगर कोई पर्सन इतना ऊपर खड़ा है तो उसके ऊपर कम एयर है, कोई पर्सन इधर है हवा में उसके ऊपर और कम एयर है, कोई और ऊपर है तो और कम एयर है, सही बात है कि,
तो क्या देख रहे हो आप, सबसे ज्यादा प्रेशर किसके ऊपर होने वाला है? इसके ऊपर होने वाला है ना, क्योंकि इसके ऊपर एयर का कॉलम बहुत बड़ा है, इसके जस्ट अबव एयर बहुत सारी है, तो वो सारी एयर इसके ऊपर प्रेशर लगा रही है, यानी इस वजह के ऊपर एयर प्रेशर बहुत ज्यादा होने वाला है, इसके ऊपर थोड़ा कम, इसके ऊपर और कम, इसके ऊपर और कम, राइट? तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जैसे जैसे मैं कहाँ जाता हूँ, हाइट को बढ़ाता हूँ, मैं एल्टीट्यूड बढ़ाता हूँ अपनी, क्या हो रहा है, एयर की डेंसिटी कम हो रही है ना, या एयर कॉलम की जो क्वांटिटी है वो कम होती जा रही है, राइट? एयर कॉलम कम हो रहा है ना, देखो एयर कॉलम की हाइट क्या हो रही है, कम, सो दैट मीन्स प्रेशर भी कम हो रहा है, ठीक है? तो मैं क्या बोलूंगा कि एयर प्रेशर विद एल्टीट्यूड कैसे चेंज होता है, नंबर वन, जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, एल्टीट्यूड मतलब ग्राउंड के ऊपर से हाइट, एल्टीट्यूड बढ़ता है तो एयर प्रेशर कैसा हो जाता है, घट जाता है, ठीक है? पहला रीजन क्या हो गया उसमें, कि डिक्रीज इन कॉलम ऑफ एयर, ठीक है, डिक्रीज इन एयर कॉलम, एयर कॉलम जो है कम हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है? अब एक्चुअल में यही चीज ना बैरोमीटर के हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, आपके पास बैरोमीटर है, आपको पता है नीचे उसका प्रेशर 760 दिख रहा है ग्राउंड लेवल पे, ठीक है, सी लेवल पे। अब आप ऊपर गए, आप थोड़ा सा ऊपर गए, आप गए 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 गए, आपको क्या दिखेगा कि प्रेशर की वैल्यू कम होती जा रही है, तो इस अकॉर्डिंग हम गेस कर सकते हैं, गेस के मतलब प्रॉपर कैलकुलेशन हो जाती है इनकी, कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो प्रेशर कितना फर्क पड़ रहा है, ठीक है? जैसे मान लो 1 mm का फर्क पड़ा, ठीक है, आप इतने किलोमीटर ऊपर गए, 2 mm का फर्क पड़ा तो मतलब आप इतने किलोमीटर ऊपर गए, तो डायरेक्टली क्या है, हाइट का अंदाजा लग सकता है, ठीक है, बाय द यूज ऑफ बैरोमीटर्स, सिंपल बैरोमीटर्स एटमॉस्फेरिक कैलकुलेट करेंगे तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ ना, जहां प्रेशर कम है मतलब हम ऊपर है, जहां प्रेशर ज्यादा है मतलब हम नीचे, बात खत्म, ठीक है? तो हम इसमें डायरेक्टली अज्यूम कर सकते हैं कि दिल्ली के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा या फिर ऊपर गंगोत्री और हर्षिल यानी कि जो हिली एरियाज है वहां पे होगा, या माउंट एवरेस्ट और ऊपर कर लो, माउंट एवरेस्ट में ज्यादा प्रेशर होने वाला है या दिल्ली में होने वाला है? ऑब्वियसली दिल्ली में ज्यादा प्रेशर होगा, तो दिल्ली क्या है, प्लेन्स में, ठीक है, और माउंट एवरेस्ट बहुत ऊपर है, ठीक है, तो लगभग ऐसा फर्क इसमें रहता है। तो पहला रीजन तो आपने पढ़ा, और सीधा सेकेंड रीजन, इसी के ऊपर एक दूसरी थ्योरी है कि इसका फर्क दूसरे कैसे, डेंसिटी ऑफ एयर लेयर्स, नहीं देखो अब एयर कैसी है, एयर ऐसे मिक्स है ना, लेकिन एयर की लेयर्स है, एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, इस तरह से क्या है, एयर की बहुत सारी लेयर्स है, ठीक है? देखो जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी एयर की, उसको कितना, कितनी लेयर्स ने पिचकाया हुआ, इतनी सारी लेयर ने पिचकाया हुआ है, तो जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी वो हाई डेंस होगी ना, बहुत ज्यादा डेंसिटी होगी इसकी, सब पिचके पड़े हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा डेंसिटी होगी इसकी, है ना? जस्ट ऊपर वाली जो लेयर होगी वो थोड़ी सी लो होगी, उसके ऊपर वाली थोड़ी और लो, फिर उसके ऊपर वाली थोड़ी और लो, और लो, और लो, ऊपर जाते जाते क्या हो रहा है, एयर की डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, एयर लेयर की डेंसिटी मतलब जो पार्टिकल्स पिचके हुए हैं, थोड़ी बहुत डेंस लेयर है, बहुत सारे पार्टिकल है उसी लेयर में, जस्ट ऊपर वाली लेयर में थोड़े कम पार्टिकल, फिर थोड़े और कम, फिर थोड़े और कम, इस तरह से, ठीक है? तो इस वजह से भी क्या होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एल्टीट्यूड के साथ फर्क होता है, ठीक है? क्या लिखेंगे, ड्यू टू द डिक्रीज इन एयर डेंसिटी, ठीक है? एयर डेंसिटी ऊपर जाता है तो कम होती है, इसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या होता रहता है, कम होता रहता है, ठीक है? अब आपके पास दूसरा एक क्वेश्चन आता है इसमें से, अब क्वेश्चन आता है कि भैया लीनियर रिलेशन होगा या नॉन लीनियर, इसका मतलब जैसा आपका एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है, जब आप कॉलम ऑफ एयर में बात करोगे कि कॉलम ऑफ एयर, तो यहां पे जो डिक्रीज होगा ना प्रेशर का, वो होगा लीनियर डिक्रीज, लीनियर मतलब एक जैसा, एक जैसा, मान लो कि फर्स्ट 5 किलोमीटर में कुछ डिक्रीज हुआ, फिर नेक्स्ट 5 किलोमीटर भी उतना ही डिक्रीज होगा, फिर नेक्स्ट 5 में भी उतना ही डिक्रीज होगा, नेक्स्ट 5 में उतना डिक्रीज, इसे कहते हैं लीनियर डिक्रीज या इक्वल डिक्रीज, यूनिफॉर्म डिक्रीज, ठीक है? जब अगर आप इस थ्योरी को देखो, कॉलम ऑफ एयर वाली थ्योरी को, तो इसमें क्योंकि इक्वली कम होता रहता है, ठीक है, तो प्रेशर भी इक्वली जाएगा, लेकिन अगर आप एयर डेंसिटी की तरफ देख रहे हो कि डिक्रीज इन एयर डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ एयर लेयर्स, ठीक है, इसमें कैसा रहता है, इसमें कहता है नॉन लीनियर, इसमें कैसा रहता है, नॉन लीनियर, मतलब जैसे आप नीचे जाएंगे तो नीचे इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा, मतलब नीचे एक लेयर है, उसके जस्ट ऊपर लेयर है, तो वहां तो एक फर्क है, ऊपर अलग फर्क रहेगा, जैसे मान लो कि नीचे 5 किलोमीटर में कुछ इंक्रीज हुआ, फिर अगले 5 में हल्का फुल्का कम हुआ, फिर हल्का फुल्का और कम हुआ, तो इस तरह से मतलब एक कांस्टेंट चीज नहीं रहती, उसमें क्या रहता है, हर पर्टिकुलर डिस्टेंस पे
कॉन्स्टेंट डिक्रीज होता रहता है प्रेशर, ठीक है, लेकिन इसमें हर पर्टिकुलर पे ऐसे कॉन्स्टेंट डिक्रीज नहीं होता, ठीक है ना। जैसे लो एल्टीट्यूड में आप तो रैपिड डिक्रीज होगा, रैपिड डिक्रीज मतलब जैसे फर्स्ट 5 किलोमीटर में मान लो प्रेशर सीधा 1 mm गिर गया, मान लो नेक्स्ट 5 में मान लो फिर से 1 mm गिर गया, फिर नेक्स्ट 5 में मान लो फिर से 1 mm गिर गया, या फिर उसमें 1 या 1.5 mm गिर गया, और कम मान लो 1.5 mm गिर गया, 2 mm गिर गया, इस तरह से स्टार्टिंग में हो सकता है, और ऊपर वाली डिस्टेंस पे क्या हो जाए और ज्यादा हाइट पे तब उतना फर्क नहीं पड़ता, तब हल्के डिक्रीज होता है, ठीक है। तो मतलब नीचे हुआ बहुत एकदम से डिक्रीज, फिर हल्के डिक्रीज, तो ऐसे इसको बोलते हैं नॉन लीनियर, उसको बोलते हैं लीनियर, ठीक है। आप क्या बोल रहे हैं सर, कैसे पता चलता है, किसका कह रहे हो यश, किसका कैसे पता चलता है बताइए। ठीक है, ये कमी आपने पढ़ ली कि आपको बैरोमीटर था, बैरोमीटर की हेल्प से आप क्या क्या जो है आप इसमें ये सब बता सकते हैं। नेक्स्ट एक चीज आती है, देखो जैसे ना आपका जो एयर प्रेशर है जब ऊपर कम है हाइट्स पे, प्लेन्स पे ज्यादा है, तो उसके फर्क क्या क्या पड़ता है आपको पता है। अगर हम नॉर्मल उसमें बात करें जहाँ पे बिल्कुल सी लेवल पे है हमारा ब्लड प्रेशर और हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल, है ना, बताया था आपको स्टार्टिंग में, इसलिए ना ब्लड बाहर आता है ना कुछ अंदर जाता है, हम बैलेंस रहते हैं, ठीक है। लेकिन ना जैसे मान लो कि कोई ब्लड प्रेशर पेशेंट है जिसको कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, ठीक है, तो जनरल कंडीशन में हाई रहता है, अगर मान लो उसको तुम ऐसे प्लेस पे लेकर गए जो कि बहुत हाइट पे है, जैसे मान लो ट्रेकिंग करवा दी, ठीक है, बहुत ऊपर लेकर चलेगा पहाड़ पे, तो वहां क्या होगा, वहां बाहर का प्रेशर ऑटोमेटिकली कम है, उसको अपनी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, मीन्स अंदर से प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो व्हाट विल हैपन, उसकी बॉडी से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता है उसकी आंखों से ब्लड या उसकी नोज ब्लीडिंग हो जाए, ठीक है ना, वेसल्स फट जाते हैं, ठीक है, हो जाता है, तो डेलिकेट वेसल्स होते हैं जैसे नोज के हो गए, हल्के फुल्के आईज रेड हो जाती हैं, ठीक है ना, ये सब दिख जाता है कई बार, ओके। देन कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, जैसे फाउंटेन पेन होता है, ठीक है, फाउंटेन पेन होता है, फाउंटेन पेन में भी ऐसा ही होता है। फाउंटेन पेन में क्या होता है, देखो जैसे फाउंटेन पेन पिचकारी जैसा इंक भरी होती है, थोड़ी सी एयर होती है उसके अंदर, फाउंटेन पेन की जो अंदर का ट्यूब होता है ना उसमें थोड़ी सी एयर होती है, तो बाहर के एयर प्रेशर से मेंटेन्ड है सारा का सारा। अब उस फाउंटेन पेन को आप ऊपर लेकर गए हाइट पे, सपोज आप एरोप्लेन में लेकर गए, वहां लीक हो जाएगा, क्यों लीक हो जाएगा, बिकॉज वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, बाहर का प्रेशर कम है, ट्यूब जो इंक वाली ट्यूब है ना पेन के अंदर उसका प्रेशर ज्यादा है, सो दैट विल रिलीज आउट, वहां से गिर जाएगा बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो कुछ कंसिक्वेंसेज है इस तरह से, और आपको अगर कुछ पता हो प्लीज आप लोग इसको शेयर जरूर करना, ठीक है, चलो ये सब हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज एल्टीमीटर। एल्टीमीटर कुछ नहीं है, डायरेक्ट समझेंगे, एल्टीमीटर क्या होता है, दिस इज एल्टीट्यूड प्लस मीटर। ये कहां से बना है, यहां से बना है, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, तो हाइट बताने वाला मीटर, हाइट बताने वाला इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड एज एल्टीमीटर। आपने देखा होगा जब एयरक्राफ्ट होते हैं या पबजी खेला होगा, तो पबजी में देखा है ना कभी कि ऊपर से वो गिरता है तो आपको साइड में हाइट दिखा रहा होता है कि आप एल्टीट्यूड आपकी इतना है, अभी ग्राउंड से आप इतने पास आ रहे हो, आ रहे हो, आ रहे हो, ठीक है, वो कैसे मेजरमेंट होता है, यहाँ पर जो एरोप्लेन कितनी हाइट पे गया है वो कैसे मेजरमेंट होता है, ऐसे ही होता है जैसे बैरोमीटर में था ना, तो जो आपको लास्ट पढ़ाया था एनेरॉइड बैरोमीटर, उसको हम किस तरह यूज करते हैं, एल्टीमीटर की तरह भी यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कंफर्टेबल है लेके जाने में, उसको एल्टीमीटर की तरह भी यूज करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप एरोप्लेन में उसको लगा दिया, तो आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे वो रीडिंग बताता रहेगा आपको कि इतना उसका प्रेशर रीडिंग है, इतनी रीडिंग है, वो डायरेक्टली आपको बताएगा, सो दैट कैन बी यूज्ड एज एल्टीमीटर। कोई आपसे एल्टीमीटर पूछो तो एल्टीमीटर में क्या है, जस्ट इट इज एल्टीट्यूड मीटर, मींस एल्टीमीटर टेल्स द एल्टीट्यूड अबव द सी लेवल, अबव द सी लेवल एल्टीट्यूड बताता है किसके हेल्प से, एक्चुअल में है ये बैरोमीटर, एक्चुअल में है ये बैरोमीटर, लेकिन इसमें क्या और होता है, यहां प्रेशर में मार्किंग नहीं होती, या जो बैरोमीटर मार्किंग कैसे होती है, एमएम ऑफ एचजी में होती है ना, नहीं, इसमें डायरेक्ट किस में होती है, हाइट में मार्किंग होती है, तो आपको जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना इसकी सुई कहां घूमेगी, नीचे घूम जाएगी, सॉरी ऊपर घूम जाएगी, इसका मतलब क्या होगा, आपकी हाइट बढ़ रही है, प्रेशर तो कम हो रहा होगा, इसको उल्टा मार्क कर दिया जाता है, प्रेशर तो कम हो रहा है, इसको कैसे मार्क कर देंगे, प्रेशर कम हो तो आगे बढ़ जाए, उल्टा कर देते हैं बस, ठीक है, वो डायरेक्ट आपको हाइट बताता है, सिंपल एल्टीमीटर, इतना ही सही, ठीक है। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट हो गया आपके 4th चैप्टर का, ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन रह गया जिसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे,
और कल थोड़ी सी क्लास आप लोग भी जल्दी हो जाएगी, ठीक है? अभी तो फिलहाल मेरी दूसरी क्लासेस का टाइम हो रहा है, अभी मैं और क्लास नहीं ले सकता, कल थोड़ा सा जल्दी क्लास करेंगे और आपको जो मेन मेन न्यूमेरिकल्स है वो मैं आपको कल बता दूंगा इसको, ठीक है ना? देन मंडे से अपन नया चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे, ओके? चलिए फिर मिलते हैं आपको कल की क्लास में, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड नाइट।